आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें आप जानते हैं कि हर बार हम एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज तक हमने कई मंत्रियों से आपको रूबरू कराया है, कई बड़े अधिकारियों से रूबरू कराया है। फिलहाल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक एक्टर जिनका नाम है गुरु सरन तिवारी। आज इनकी जर्नी पर हम बात करने वाले हैं, आखिर क्या है इनका आज तक का सफर। तो आइए सीधे बात करते हैं गुरु सरन तिवारी जी से कि उनकी जर्नी कैसे रही। तो आपका सबसे पहले तो हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम लोग हर बार अपनी शख्सियत में शख्सियत की जर्नी पर बात करते हैं, तो आज हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपकी पृष्ठभूमि से हम जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन था और आपका जो आगे आपकी एजुकेशन थी वो किस क्या थी। जी, मेरा जन्म स्थान कानपुर जिले में हुआ और मेरा बचपन उन्नाव जिले में भी था, चूँकि उन्नाव जिला का ही मैं रहने वाला हूँ। और मेरी एजुकेशन आधी उधर हुई, आधी लखनऊ में हुई, उसके बाद जो वर्किंग प्लेस हो गई वो मेरी मुंबई हो गई जी। तो ऐसा मेरा कुछ सफ़र रहा अपनी एजुकेशन से लेके वर्किंग तक का जी। और मैं लखनऊ में मैंने काफ़ी स्टार्टिंग्स में जो काम किए, मैं प्रोफेशनली अकाउंटेंट हूँ जी। जी, तो मैं अकाउंटेंट की मैंने 4 महीने ही सिर्फ जॉब की, एंड देन उसके बाद मैं सिर्फ फिर इवेंट्स में ज्वाइन हो गया। फिर मैंने इवेंट कंपनी अपनी खोली दयाल इवेंट्स इंटरनेशनल करके, फिर मैंने उसमें कुछ वर्क किया। फिर वैसे ही मेरा एक सिरा स्टार्ट हो गया इस फिल्म लाइन से जुड़ा। जब शूटिंग यहाँ पर लखनऊ में चालू हुई 80-90 पूरे 100, तो मेरा शूटिंग लाइन में आने का मौका मुझे 80-90 पूरे 100 से मिला। हालांकि वो फिल्म अब डब्बे में जा चुकी है और किसी रीजन वश नहीं वो रिलीज हो सकती है। तो वहां से मेरा जो सफर था फिल्म लाइन का वो स्टार्ट हुआ। तो आपने कहा, मतलब पहले से आपने डिसाइड कर रखा था कि आपको इस लाइन में जाना है, या फिर आपने अचानक से, क्योंकि अकाउंटेंट भी एक अच्छा प्रोफाइल है और वो छोड़ के इस इंडस्ट्री में आना अचानक से, वो क्यों हाँ। आपने डिसाइड किया? तो वो सफर ऐसा था कि मन सबका होता है, बट इतना स्ट्रगल, इतनी चीज़ें रहती हैं कि लाइफ में सोचते हैं कि यार जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, इन सब चीज़ों के चक्कर में सब छोड़ रहे थे। एंड देन उसके बाद जब मुझे मौका मिला जी, तो मैंने सिर्फ मौके पे चौके की वजह छक्का मारा जी। बहुत अच्छी बात है जी। तो इसके लिए आपको किसी ने इंस्पायर किया, आपके पेरेंट्स चाहते थे, आपका खुद का डिसीजन था? देखिए, सबसे ज़्यादा डिसीजन तो मेरा तो घर परिवार, खानदान पानदान में कोई भी शख्स इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि मेरे भाई हैं जिनका नाम है गुरु नाम तिवारी, वो थिएटर करते थे जी। तो हालांकि एक सबसे चीज़ है कि एक मतलब जैसा मेरा फिगर है, लोग टॉन्ट्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी, लोगों को नीचा दिखाना लाइक ऐसी, वो मेरी स्ट्रेंथ है जी। तो लोग मुझे जैसे नीचा दिखाना चाहते थे, तो मैंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया कि नहीं यार, मुझे प्रूफ करना है। और मुझे जैसे ही मौका मिला और फिर मैंने उसको प्रूफ करने के स्टार्ट कर दिया, तो वैसे मेरा करियर स्टार्ट हुआ। फिर मेरी जो डेब्यू फिल्म निकली वो जॉली LLB 2 निकली, उससे मुझे काफ़ी फेम मिला, चूँकि मैंने जो लखनऊ से ही की थी। हालांकि उसमें मैंने असिस्टेंट का भी काम किया था, मैं जूनियर्स को हैंडल करता था ऑन सेट, तो वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ। फिर मैंने 1-1.5 साल यहाँ लखनऊ में किया, एंड देन उसके बाद मैं मुंबई चला गया जी। तो बहुत अच्छा आपका सफर। फिलहाल ये था कि जैसे आपने बोला कि एक टॉन्ट और एक कमेंट मिलते थे, तो आपको भी कई तरीके से ऐसे टॉन्ट मिले होंगे, तो उसको आपने किस तरीके से फेस किया? क्योंकि एक वो एक ऐसा मुद्दा होता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आपने अपने को डिप्रेशन में ना ले जाके आप आगे बढ़े हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उसको किस तरीके से फेस किया आपने? देखिए, सब चीज़ों की बात होती ऐसी है कि हर कोई हर जगह कहता है, और बचपन से ये कहावत भी सुनता है आ रहा हूँ, क्योंकि हम गांव की पृष्ठभूमि से हैं। हमारा गांव दयालपुर है, उन्नाव जिले का, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और चूंकि सब बड़ों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में भी बैठा हुआ हूँ, तो कहावतें थी, तो कहावतें ऐसी थी कि कुत्ता भौंकता है और हाथी अपनी चाल चलता है। तो मैंने अपनी जीवन में बस उसी को अपनाया जी। और मैं अपनी चाल चल रहा था और अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते मैं दिख रहा हूँ जी।
तो गुरु सर, आपने कोई और मतलब इसके लिए कोई प्रोफेशनली कुछ आपने कोई ट्रेनिंग ली? जिस तरीके से आपने बताया कि आपके बड़े भाई साहब थिएटर वगैरह करते थे, तो उनसे आप इंस्पायर हुए, आपने कुछ थिएटर वगैरह स्टार्ट किया या डायरेक्टली आप मूवी में गए? जी, मैं गया तो डायरेक्टली था। मैंने अपने दोस्त वगैरह जो थिएटर करते थे मैं उनको बताता, चूंकि मेरे पास थोड़े से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो चूंकि मेरे फादर को दिखाई नहीं देता है तो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। तो मैंने अपने दोस्तों से बोला कि यार मुझे कुछ ऐसा ज़रूरत हो, मेरे लाइक को, मेरी फिगर के अकॉर्डिंगली कुछ हो तो मुझे बताना, बट लोग इग्नोर करते थे। तो फिर उसके बाद जब मुझे काम मिला तो मुझे डायरेक्टली ऐसा मौका मिला 80-90 पूरे 100 में कि भाई वहाँ पे मुझे हेल्दी कपल दिखाना है और वैसा चाहिए। तो मैं तब जॉब कर रहा था, तो मैंने जॉब पे बोला सर आज मुश्किल है, मैं नहीं आ पाऊंगा, और मैंने वो गया वहाँ पे बोला कि ओके देन करते हैं। तो वो मैंने किया, फिर उस दिन माहौल देखा, एक नई चीज़ देखने को मिली, समझने को मिली, और मैंने उसको फिर कंटिन्यू कर लिया। वहाँ से हर दिन जाता था, चीज़ों को समझता था, सीखता था, चूँकि लाइफ में जो चीज़ मुझे आज आज क्या बहुत टाइम पहले भी पता चल गया था कि एक एक्टर बनने से पहले शूटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें शूटिंग ही नहीं मालूम है तो हम एक्टर नहीं बन सकते। तो उस लिए मैं शूटिंग्स पे जाना, चीज़ों को करना, सेट पे रहना, जो भी आपसे बन पड़ता है वो करके मैंने सीखा है सब चीज़। एंड देन उसके बाद मैं आगे बढ़ा। फिर क्या होता था कि ऑडिशंस, ऑडिशन सबसे ज़्यादा मेन रहते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ से अपना हेजिटेशन ख़त्म किया। पहले बड़ा अटपटा सा लगता था कि मैं 10 लोगों के बीच में, किसी के भी सामने अकेले कहीं पे खड़ा होकर के मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो बड़ा अजीब सा फील होता था, गिल्टी जैसा लगता है, जबकि किया कुछ नहीं था ऐसा। तो मैंने कहा इसको ख़त्म करना है, तो क्या करते हैं, फिर मैं ऑडिशन चालू किया। अब उस बीच लखनऊ में भी ऑडिशन क्या सभी जगह फेक और रियल होते ही होते हैं, तो मैंने कहा कि भाई फेक और रियल कुछ नहीं है मेरे लिए, मुझे सीखना है तो सब कुछ रियल है। और मैंने सब फेक ऑडिशंस भी दिए, उससे मेरी धीरे धीरे हेजिटेशन खत्म हुई और मेरा जो ग्राफ रहा वो ये ऐसे बढ़ता गया जो आज भी देखने को मिल रहा है। जी, ये तो बहुत अच्छा एक आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। फिलहाल ये है कि हम आपका वो लम्हा जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपका जो पहला ऑडिशन टाइम था, पहला ऑडिशन किस चीज के लिए देने गए थे और क्या चीज आपने फेस की थी, क्या प्रॉब्लम हुआ था और कैसा वो एक आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो क्या था? तो लखनऊ में मैंने ऑडिशन स्टार्ट कर दिए थे, चूंकि मैंने सच बताऊं तो मुझे ऑडिशन मुझे याद भी नहीं होंगे, मैंने पता नहीं कितने दिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं अब चूंकि वर्क फ्रॉम होम से बहुत सी चीज़ें होने लगी कि घर से ऑडिशन बना के भेज दीजिए, तो हम यूट्यूब लिंक के थ्रू भेज देते हैं, तो उसमें उसके थ्रू भेज देते हैं। और जब मैंने लखनऊ में ऑडिशन दिया तो फेक था, मुझे ये खबर मालूम चल चुकी, लोग पता चल जाता है लोगों भी यार ऐसे ही हैं ये लोग बुला रहे। वहाँ पर टाइम देना वो इम्पॉर्टेंट था, तो मैं वो टाइम देता था, पेशेंस जिसको कहते हैं ना, वो पेशेंस मेरे अंदर धीरे धीरे वही डेवलप हुआ। शूटिंग से हुआ पहले कि भाई एक जॉब होती है, 8 घंटे की जॉब होती है, 10 घंटे की जॉब होती, शूटिंग पर 12 घंटे प्लस, यदि आप मैं लोकल प्रोडक्शन से हूँ तो चीज़ें हैं, तो वहाँ पर मिनिमम 14 घंटे 16 घंटे आप सेट पे रहते थे। मैं जब जॉलियाल एलबी की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसमें शूट पे मैं होली सॉन्ग में भी अक्षय के साथ रहा और जो जज थे उनके साथ भी किया, तो उसमें मैं होली के रंग में जब रंगा रहता था मैं वैसी ही कॉस्ट्यूम में घर जाता था। क्यों? क्योंकि अभी मैं कब नहाऊंगा, क्या फ़ायदा, तो इसलिए सब पैकअप पैकअप हुआ और 1-2 घंटे सब सब समेटने में लगते हैं, और उसके बाद मैं वही बनियाइन में वही कलर से पुता हुआ वैसे ही मैं अपने घर जाता था। तो मतलब कभी कदार ऐसा भी हुआ किस्सा कि पेट्रोल पंप वगैरह पे जब मैं जाता था तो वो बंदा मुझे पहचानता है कि ऐसे होली में कौन ऐसा आ सकता है जब होली ओकेजन ना हो जी। तो ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ हुई जी। तो चूंकि उसी सब चीज़ों में जो पेशेंस मुझे मिला ऑडिशंस में करने को मिला, फिर मैंने वो हमारा यहाँ पे शायद सचिवालय के पास में एक होटल है, वहाँ पे एक ऑडिशन था, तो चूंकि मुझे ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि मेरा फर्स्ट था या सेकंड था, क्योंकि मैंने इतने सारे दिए मुझे याद नहीं है। हालांकि हाँ, मगर ऑडिशन देने में इन सब चीज़ों में मुझे ग्राफ जो मुझे सीखने को मिला, जो चीज़ें बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है जी। तो अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ में। We'll be right back.
आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी। अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को धार देते हैं हम। बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते अपराध की, सच दिखाने का रखते हैं दम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। ना हिंदू में हूं, ना मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं, रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्ला की शहनाई की गूंज में हूं, हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं, नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं, हां पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी। अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर है आपका पसंदीदा प्रोग्राम शख्सियत लेकर, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु सरन तिवारी, जिनसे उनकी जर्नी पर हम बात कर रहे थे। चलिए अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात करते हैं कि क्या कुछ रहा है उनकी जर्नी के बीच में। तो आपने अभी हमें अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से आपने अपनी शुरुआत की है। फिलहाल अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपको पहला ब्रेक, जो आपने बताया कि 80-90-100 से आपको पहला ब्रेक मिला, बड़ा ब्रेक, एक बिग ब्रेक की अगर हम बात करते हैं, वो बिग ब्रेक आपकी लाइफ में कब आया? वो मेरा जॉली एलएलबी 2 के टाइम था जी। जो हमारे डायरेक्टर सर थे सुभाष कपूर सर, तो उन्होंने मुझे बोला था एक सॉन्ग में डालने के लिए। एंड देन उसके बाद एक उनके जज के भतीजे का कैरेक्टर के लिए ऑडिशंस हो रहे थे, और उस ऑडिशंस के लिए काफ़ी लोगों के ऑडिशंस हुए, बट उनको वो कैरेक्टर नहीं मिला या उसमें फिट नहीं हुए लोग, तो फिर मेरा उन्होंने सिलेक्शन किया और मुझे ऑन द स्पॉट बताया उन्होंने, मॉर्निंग में ही बताया गया, नहीं तुम अपने फटाफट रेडी हो, तुम्हारा सीन है जी। तो फिर बड़ा जल्दी जल्दी में हुए। फिर जब हम लाइन बोल रहे थे, हमारी लाइन थी कई सारी उनके सौरभ सर के साथ जो जज बने थे उसमें, तो उनको वो फ्लेवर उसमें नहीं आ रहा था, कुछ कहते कुछ अलग सा हो, तो फिर उन्होंने मुझे पान खिलाया जी। अब चूंकि पान में खाता नहीं, मतलब मैं कोई भी धूम्रपान वगैरह नहीं करता, तो उस बीच मुझे पान मैंने जिंदगी में अपनी पहली बार खाया, वो भी मीठा पान मैंने फर्स्ट टाइम खाया। फिर मैंने 8 पान उस दिन मैंने पहली दफ़े खाया, और वो खाता था फिर लाइंस बोलता था, अरे मोहरा जी 6 महीने पहले आपको बाईपास सर्जरी हुई है, तो ऐसा कुछ सीन हुआ था और बड़ा मज़ेदार था वो, एक पार्टी फंक्शन का था। और सबसे अच्छी बात तो है कि उसमें हमारा जो सबसे
अच्छा साथ दिया था, हमारे एसोसिएट डायरेक्टर थे अनिल सर जी, उन्होंने दिया था, वो बहुत अच्छे हैं जी। ऐसा रहा हमारा जॉलियल एलबी टू के टाइम जी। बाकी ये है कि आपके आज तक कितने आपने कुछ एड फिल्म्स भी आपने की होंगी, कुछ एड फिल्म्स भी की हैं, कुछ मूवीज भी की हैं, तो आज तक अमूमन कितने आप एड फिल्म्स और फिल्म्स आप कर चुके हैं? देखिए 30+ तो हमने एड्स किए हुए हैं, जिसमें से हमारा जो एड सबसे ज़्यादा चला है और बहुत पसंदीदा रहा है वो एड है हमारा इमामी कुकिंग ऑयल का, जो हमारे इसके छिछोरे फिल्म के डायरेक्टर, दंगल फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी सर ने किया है जी। तो वो एड आज भी चल रहा है थिएटर्स में, न्यूज चैनल्स पे, टीवीज पे और बाकी अभी मेरा एक रिसेंटली एक एड आने वाला है IDFC बैंक का, जो भेजा फ्राई के डायरेक्टर सागर बलारी सर ने किया है, उसमें मैंने शेफ बना हूँ और वो बहुत प्यारा एड है, लिटरली मुझे वो काम करके बहुत मजा आया। एंड देन उसके बाद मैंने वेब सीरीज भी की हैं, एंड फिल्म्स की बात करें तो हमारी डेब्यू फिल्म जैसे जॉली LLB 2 मैंने आपको बताया, बहन होगी तेरी, ड्राइव सुशांत के साथ, एंड जो हमारी Housefull 4, तो Housefull 4 में मैंने साजिद के साथ भी किया, साजिद खान सर के साथ भी किया, एंड देन मैंने फरहाद, साजिद फरहाद जो राइटर हैं इंटरटेनमेंट के डायरेक्टर, वो उनके साथ भी मैंने फराज सर के साथ भी मैंने वो फिल्म की, बीच में ऐसे चीज़ें हुई थी जिसमें दोनों के साथ मुझे करना पड़ा और वो माहौल मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उस वहाँ का किस्सा मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं सुबह रेडी हुआ, कॉस्ट्यूम दादा आए और मेकअप वाले आए, उन्होंने मूछें लगाई, दाढ़ी लगाई और एक अनाउंसर के करेक्टर के लिए मुझे रेडी कर दिया। मैं जैसे सेट पर पहुँचता हूँ, साजिद सर देखते हैं, कहते अरे यार ये दाढ़ी क्यों लगा दी, मुझे यही दिखाना है मेन, तो फिर उन्होंने दाढ़ी हटवाई, सिर्फ मुझे मुझको रखी और फिर जब सेटअप हो रहा था, चूंकि 2000 लोगों का क्राउड था, पूरा राजमहल का सीन था, मास्टर शॉट लगा हुआ है, पीछे तीनों रानियां बैठी हुई हैं, अपना वो कृति सैनन, कृति खरबिंदा, पूजा हेगड़े एंड रंजीत पापा जी जो बैठे हुए हैं, शरद केलकर हैं, अक्षय के सामने से एंट्री है, रितेश की एंट्री है, एंड देन बॉबी देवल की एंट्री है, तो सभी लोगों की एंट्री, पूरा क्राउड से राजमहल भरा हुआ है। उस बीच हमारा, चूंकि जैसे शॉर्ट नेम है हमारा GST, तो इंडस्ट्री में मेरा GST नाम चलता है, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इस नाम से, बट वो इजी है, लोगों को याद रहता है तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर उस बीच साजिद सर बोल रहे थे कि लाइन्स रेडी है ना, मैंने कहा यस सर रेडी है, तो लाइन्स एक्चुअली हिंदी बहुत थी, हिंदी शुद्ध हिंदी थी, ऊपर से सा और शाह वाले जो ये अल्फाज हैं वो बहुत सारे थे, तो इस वजह से उन्होंने कई बार बुलवाया, तो वह यहाँ पे पोजीशन मेरी सेट कर रहे थे, तो उस बीच करते करते वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मेरे लाइफ का बहुत अच्छा पॉइंट था जो उस फिल्म से मुझे मिला। एंड देन उसके बाद मैंने बंटी बबली 2 किया और एक मेरी नेगेटिव लीड में फिल्म आ रही है जो हमारे डायरेक्टर 16 दिसंबर टैंगो चाली के डायरेक्टर हैं मनीष शंकर जी, उनकी वो फिल्म है, वो कम बैक कर रहे हैं, तो उसमें मैंने नेगेटिव लीड किया है और वो बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत अच्छा, उसमें आपको मसाला भी देखने को मिलेगा अलग अलग, चूंकि मेरा जोनर ही अलग है उसमें जी। अभी तक ऐसे क्या लोग मुझे लुक के अकॉर्डिंगली कॉमिक बोल देते हैं कि कॉमिक या कॉमेडी में, मैंने जो भी किया कुछ में कॉमेडीज जोनर के एक्ट किए हैं, बट उसमें मेरा नेगेटिव है जी। तो वो देखने के लायक है। और मेरी एक और अभी फिल्म मैंने शूट किया, मैं लखनऊ में आया हुआ हूँ, तो मेरी एक फिल्म है एक्टिंग का भूत, जिसमें मैं हीरो के फ्रेंड का रोल किया है, बच्चन यादव कैरेक्टर है, तो वो अभी शूट हो चुकी, कंप्लीट हो गया, एंड देन वो भी रिलीज होगी जल्दी थिएटर्स में। तो ये सब मेरी फिल्म्स हैं, एड्स हो गए, मैंने वेब सीरीज जो की वो भी बता दिया, और थिएटर्स में मैंने दो प्ले भी किए हुए हैं हमारे आलोक उल्फत सर के साथ मैंने किया हुआ है। कुरुसन जी, आपने मतलब जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में आप काम कर चुके हैं, तो आपको कभी कभी हेजिटेशन जैसा फील हुआ क्या कि क्योंकि जब आपको मौका मिला और अचानक से एक बड़े स्टार्स के साथ में एक आपको सपोर्टिव एक्टर आप उसमें एज ए काम कर रहे हैं, तो आपको बड़ा हेजिटेशन हुआ होगा कि इनकेस अगर मेरी कोई गलती हो गई तो कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ डर कभी हुआ है आपके पास? बिल्कुल, ये डर बना रहता है, चूंकि मैंने अभी डर की बात बताऊं तो ये किस्सा भी हमारा सैफ अली खान सर के साथ कर रहा था बंटी बबली 2, चूंकि उसमें मेरा फाइट सीक्वेंस भी था तो उसमें बड़ा अजीब सा लग रहा था कि, तो वो पूछ भी रहे थे, चूंकि हालांकि अभी बड़े प्रोडक्शंस जैसे जो भी हैं तो वो लोग तो पूरी सेफ्टी रखते हैं, एक्शन डायरेक्टर भी रहता है एंड सेफ्टी रीजन से बेल्ट पैड वगैरह सभी रखते हैं, गद्दे वगैरह लगा करके। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं थी, बट ये था कि इनकेस कुछ भी हो गया तो उस वजह से, तो उन्होंने सारी तैयारियां की थी और सैफ सर सच में बहुत हम्बल है, चूंकि वो तो लखनऊ में भी है अभी तो
मतलब उन्होंने बार बार पूछा था लगी तो नहीं यार, लगी तो नहीं यार, क्योंकि वो सीन प्रॉपर अच्छा खासा ऐसा था कि मैं, वो तो देखने पे आपको पता चलेगा कि कैसा है। तो वो मुझे ग्लास फेंकते हैं, देन मुझे हिट करते हैं, मैं बेड पे गिरता हूँ, देन वो आते हैं मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर मुझको मारते हैं, एक ऐसा सीन था। तो वो बड़ा मज़ेदार था जी। तो मुझे तो कहीं ना कहीं लग ही रहा था, अब चूंकि उसमें एक ऐसा सीन था कि मैं बीच बीच में उनको गाने के बीट्स पर हिट करना था कि भाई ड्रिंक गिरेगी, वो जो गुस्सा है वो क्रिएट कैसे होगा जी। तो उस सिचुएशन के लिए मुझे हिट करना था। डायरेक्टर ने बोला, डायरेक्टर हमारे वरुण वी शर्मा कानपुर के ही हैं रहने वाले जी। और उसमें जो कोरियोग्राफर थी वैभवी मर्चेंट जी, तो जी। वो सब बता रहे थे कि मुझे उस बीट पे हिट करना। अब एग्जैक्ट पे लगे मुझे कि यार मैं मतलब हिट करूं यार उन्हें ज्यादा ना लग जाए, तो वो उसके लिए वो बोल रहे थे अरे रे आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करो, कम से कम वो फील आना चाहिए कि वो हिट करे। तो क्या होता है ऐसे में जब बड़ा एक्टर बहुत ही हम्बल होता है, बहुत ही पोलाइटली आपसे बिहेव करता है, ईगो नहीं होता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अलग लेवल पे होता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो को एक्टर का होना बहुत अच्छी चीज है कि वो सही होना चाहिए और उसी को एक्टर के अच्छा हो। इसी वजह से जो प्रोडक्शन हाउस जब कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के दौरान वो बहुत सी चीजें देखते हैं, बहुत से वेरिएशंस देखते हैं, तो कास्टिंग प्रोसेस जो होता है ना वो इसीलिए लेंदी हो जाता है। ये हमारी बंटी बब्बी के लिए 2019 से बात चल रही है जी। तो और 2019 से करते मैंने 2021 में शूट किया जी। तो ऐसी सिचुएशंस होती है ना कि वो कम से कम दूसरे आर्टिस्ट को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो तो स्टार है, तो इन सब चीजों के लिए रहता है। बाकी हालांकि मुझे डर की बात कहूं तो देखिए एक काम करते करते आपको मालूम है कि आप अपने सफर में अकेले हैं जी, तो फिर किससे डरना है जी। अब आपको बढ़ना है तो करना है जी। सिंपल सी बात है। तो वैसे ही तो आपने अभी जिस तरीके से को एक्टर के बारे में बात करें कि अगर वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते तो आपको करने में मतलब उनके साथ शूट करने में बड़ा मजा आता, लेकिन अगर कौन से एक्टर के साथ में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई कि बहुत ज्यादा दिक्कत आया कि इनके साथ आपको डर लगा हो कि अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो किसके साथ अनकम्फर्ट सा फील हुआ आपको? ऐसी बात अनकम्फर्ट तो नहीं हुआ, बट हालांकि एक मतलब सच बताऊं तो मुझे नहीं कहीं लगा। मैं अपने करियर में देख रहा हूं, नहीं हाउसफुल 4 में भी मैं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। डायरेक्टर भी इतना सपोर्टिव थे और चूंकि उसमें उन्होंने तो ऑन द स्पॉट लाइंस भी दी और बोला कि ये बोलना है, और वो उर्दू की लाइन थी कि मैं उस लाइन को बताता हूं ऐसा कि और अब महमूद बिन मखतूम वही नूर हीरा ऐसे करके उनकी बड़ी वैसी लाइन थी, तो वो मुझे एक ही फ्लो में बोली थी। और मैंने ये ऊपर वाले मालिक का शुक्राना है कि मैंने वो लाइन भी विदाउट फंबल बोला जी। तो अब अपने आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ऐसी चीजों में जी। तो लाइक वो सब चीजें थी। तो हालांकि मुझे डर की बात करूं तो मुझे डर कहीं नहीं लगा, क्योंकि वो लगा ना कि मैं डरूं क्यों जी। मैंने गलती की हो तो डरूं जी। अब गलती होगी तब डरूं ना जी। अभी तो हुई नहीं है तो मैं पहले डर करके फिर गलती करूं तो क्या फायदा है। तो ऐसे जो होगा वो देखा जाएगा, लेट्स सी। मैं तो अपनी लाइफ में यही मानता हूँ जो होता है अच्छा होता है। यदि गलती हुई भी है तो अच्छे के लिए गलती हुई होगी, जिससे कि मुझे सीखने को मिले, वो आगे गलती ना हो बड़ी। सो इसकी वजह से ऐसा है। अच्छा, तो ये गुरन सरन जी, ये आपने मतलब कई सारे रोल किए हैं, तो उसमें बेसिकली मतलब आपका रोल्स कौन कौन से रहे हैं? नेगेटिव ही रहे हैं या पॉजिटिव रहे हैं या मतलब या सब मिक्स रहे हैं, तो कौन कौन से रोल आप किए हैं? तो देखिए मेरा तो मानना यह है कि मुझे किसी भी एक जोनर में नहीं रहना है जी। तो मैंने इसलिए कॉमेडी भी किया जी। मैंने हॉरर भी किया। मैंने एक वेब सीरीज थी वॉचो पे आई थी द मॉर्चरी, उसमें मैंने पैरेलल लीड किया हुआ था डॉक्टर गोपाल स्वामी अय्यर, वो हॉरर फिल्म थी जी। तो उसमें हॉरर फिल्म में थोड़ा और मुझे डरना था, लाइक फट्टू एक तरीके से बनना था कि अभी चुड़ैल मुझे पीछा करी, लाइक इन सब चीजों के लिए। तो उसमें बहुत ज्यादा आपको वर्क करना पड़ता है, फिर आपको गिरना पड़ना ये, तो उन सब चीजों में चोटें वगैरह ये सब नॉर्मली लगनी होती हैं, तो इसलिए आपको अपने अंदर मजबूती रखनी बहुत जरूरी होती है। एंड देन मैंने कॉमेडी जैसे किया है, नेगेटिव में आप हमारे आने वाली फिल्म में देखेंगे ही। तो मैंने कैरेक्टर्स तो ऑलमोस्ट सभी धीरे धीरे प्ले कर रहा हूँ और बढ़ मतलब उन सब चीज़ों में बढ़ रहे हैं, तो करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने अभी जैसे ऐड किया तो ऐड में शेफ का था,
तो बड़ा पोलाइटली बोलना था, तो वो करने में बड़ा मजा आया। जहाँ पे लाउड था तो वहाँ पे लाउड, जहाँ पे गुस्सा दिखाना तो वैसा भी है। तो मैंने वो फ्लेवर धीरे धीरे करके अब जो चीजें बाकी हैं उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ। बाकी तो जो चीजें हो रही वो होती ही रहती है। बाकी मोस्टली कॉमेडी सेक्शन हमारे लिए ज्यादा है, लोग मुझे अप्रोच करते हैं तो कॉमेडी सेक्शन के लिए ज्यादा करते हैं। और एक चीज मैं बताना भूला कि मैंने एक सीरियल किया हुआ है जी। एक क्या मैंने किए तो तीन चार हैं, बट एक जो सबसे ज्यादा चला बालवीर रिटर्न्स, जो बच्चों का बड़ा पसंदीदा शो है, उसमें मैं एक फादर का रोल कर रहा था, मुन्ना मिश्रा। मेरे दो बच्चे थे, वो भी हट्टे कट्टे मेरे तरीके थे, वो रियल ब्रदर सिस्टर थे जी। तो वो फैमिली थी, तो वो मैंने 2 साल कंटिन्यूटी सीरियल किया हुआ है ऑप्टिमिस्टिक का था, तो देव जोशी लोग सब लोग उसी में थे। तो वो सफर मेरा काफी अच्छा रहा और उसमें मेरी मुस्टैचेस लगी हुई हैं और अलग ही वो रहा है। और फिर आपको एक ही कैरेक्टर 2 साल तक जीना जी, वो फिर आपको वैसा ही बिहेवियर रखना जी, ये सब चीजों के लिए आपको डेली पर डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, करनी पड़ती है। हर चीजों को सीखना जरूरी होता है, तभी आप वो आगे कर पाते हैं जी। तो ये सब चीजें हैं जी। बाकी आपसे जितने आपने बहुत सारे अभी कैरेक्टर्स के बारे में आपने डिस्कशन किया है कि आपने कॉमिक भी किए हैं, हॉरर भी किए हैं और भी कई आपने किए हैं, तो आपको किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आया करने में और किस में ज़्यादा डिफिकल्टी लगी, जो ऐसा कुछ था कि ये बहुत टफ आपके लिए फेस किया हो कि आपको टफेस्ट लगा और एक को बहुत करने में बहुत मज़ा आया किसी को? देखिए सच बताऊं तो मुझे करने में जो मजा आया है वो सिर्फ मेरे लिए साउथ, मतलब हैदराबाद में जो शूट की मैंने नेगेटिव लीड जी, जो फिल्म मैंने किया हुआ, उसका नाम भी अभी चेंज होना है, तो उस फिल्म में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया जी। तो पहली बात तो मजा आने का रीजन भी यही है कि मुझे आउटडोर शूट करना था जी, और मुझे साउथ में जाना था जी। अब साउथ में ही वो शूट हो रहा था हैदराबाद में जी, और वो टीम माइंड ब्लोइंग थी जी। मुझे किसी शूट में प्रॉब्लम नहीं है, एक दो एड्स वगैरह में मुझे इश्यूज हुए, बट बाकी प्रोडक्शंस में, बाकी चीज़ों में, क्योंकि मैंने मोस्टली मेरे बड़े प्रोडक्शंस के साथ ही मैंने फिल्म्स की हैं, जैसे फॉक्स स्टार स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज एंड कई और भी हैं, तो उन सब के साथ किया तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो नहीं होती हैं कुल मिला के। और तो मेरा साउथ वाली फिल्म के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था, क्योंकि मैंने वो, जैसे मैं नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ इस लैंग्वेज में, मैंने उसमें उस फिल्म में बात नहीं की है, उसमें बड़ा ही ठहराव है जी। वो फिल्म चूंकि मैं सच बहुत सी चीज़ें उसकी बता नहीं सकता, हालांकि वो देखने में जो मज़ा आएगा वो चीज़ें अभी नहीं ऐसे आएगा, तो उसमें मैंने मेरी वॉइस जो है वो बदली हुई है जी। तो उसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, मैंने बेस के साथ बोला है वो पूरी फिल्म में, तो डायरेक्टर सर भी हमारे बोल रहे थे कि नहीं, चूंकि मैंने दिसंबर में एक पार्ट किया, शूट किया, एंड देन उसके बाद फरवरी में किया, तो मुझे वो कैरेक्टर पकड़ के रखना, वो वॉइस पकड़ करके रखना उस फिल्म के लिए, वो इम्पोर्टेंट था, और वो मैंने जहाँ तक का निभाया, तो हमारे डायरेक्टर सर ने भी उसके लिए मुझे अप्रिशिएट किया जी। सो ऐसा रहा, बाकी तो हाउसफुल 4 में नो इशू और अच्छे से निकला। बंटी बबली में 3 दिन का शूट था हालांकि, और मैंने जैसे बताया कि साहब सर लोग सब अच्छे ही थे शूट पे, तो वो भी बहुत अच्छा निकला। रानी मैम थी जी, तो ये लोग भी थे, तो बहुत अच्छे से निकला। बाकी सर जैसा ये है कि आपने कई सारे शूट्स किए हैं, तो उसमें आपको कभी कभी कोई विशेष एक स्पेशल कोई प्रिपरेशन करना पड़ा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मूवी के अकॉर्डिंग कई लोगों को वेट लॉस करना पड़ता है, वेट गेन करना पड़ता है, मुस्टैच रखनी पड़ती है, सब अलग अलग। पहले तो ये था कि मुस्टैच के लिए कि हम आर्टिफिशियल यूज कर लेते थे, लेकिन अब लोग प्रेफर करते हैं कि हम खुद ही अपना, मतलब हम खुद ही हेयर लॉन्ग करके हम उस तरीके से कैरेक्टर रहे, तो इस तरीके से आपने कभी कोई विशेष स्पेशल कुछ प्रिपरेशन करना पड़ा आपको अपने रोल के लिए? जी, उसका एक छोटा सा किस्सा है, वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको। हालांकि क्या होता है कि ये, जैसी आपने बात बोली, ये एक्चुअली हमारे तब काम आती है जब एक आप एक ऊंचे ओहदे पर, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है जी, जहां पर स्टोरी आप पर चलती है, वहां पर ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम आपको रियल लुक देते हैं, लाइक बाल्ड करना है जी, या आपको मुस्टैचेस देनी है, या कोई भी लुक देना है, तो उसके लिए क्यों, क्योंकि वो फिर कंटिन्यूटी बरकरार रखनी पड़ती है इसकी वजह से। हालांकि जैसे कि मैंने जो सीरियल किया, तो सीरियल में मेरी मुस्टैचेस लगी थी नॉर्मली, तो वो मुस्टैचेस मुझे आर्टिफिशियली लगाई गई। एंड अब जो मैं किस्सा बताने की बात कर रहा हूँ, ये मुस्टैचेस वगैरह का ही, तो मैंने तो ये क्लीन शेव तो मेरा 2018 से लुक आया, पहले तो मेरा साउथ इंडियन मुस्टैचेस थी ऐसी जी, जो अभिनंदन जी की थी
या हम एक फिल्म है सूर्या सिंघम 3 साउथ की फिल्म, तो उससे इंस्पायर्ड थे, तो वो मुस्टैचेस जो थी ऐसे वाली वो मैंने रखी हुई थी 2014 में, तो मैंने तब से वो मुस्टैचेस रखी थी। तो क्या हुआ कि एक ऑडिशन हुआ जनवरी 2018 की बात है, और मैं ऑडिशन में मन नहीं था मेरा जाने के लिए, वो ऐड का मेरा फर्स्ट था, ऑडिशन तो हुए थे बट वही मेरा फर्स्ट ऐड था डैटसन रेडिगो कार का जी। और मैं गया तो वहाँ पे बोले कि, मैंने कहा चलो यार दे देते हैं, होगा नहीं होगा देखेंगे बाद में। तो मैं गया और वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि ऑडिशन है ये वो, तो मैंने कहा ठीक है सर, कह रहे कि ऑडिशन दिया मैंने, उसके बाद पूछते कि आप ये मुस्टैचेस क्लियर करा सकते हैं, मैंने कहा सर ये सर नो प्रॉब्लम, तो वो बोले कि ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया एंड देन उसके बाद वो मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ। शॉर्टलिस्टिंग पे उन्होंने बोला कि सर आप मुस्टैचेस वगैरह क्लियर नहीं कराइएगा, और वो फिर मेरा वही साउथ इंडियन लुक्स पे वही मुस्टैचेस पे मेरा शूट किया रियल मुस्टैचेस पे, तो वो मेरा ऐसा सीन था वो मेरा जी। और बहुत अच्छा एड निकला, उससे मुझे काफी लोग पहचानने लगे लाइक ऐसा था। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ कि आपने जो भी रोल किए हैं उस रोल पे कभी आपके पेरेंट्स अपने घर वालों ने कभी कुछ कहा हो कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं और तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं और ऐसा करो, घर के भी सजेशन आपको मिलते होंगे, तो ऐसा कोई खास सजेशन मिला कि नहीं आप इसमें ज्यादा अच्छे लगते हो, यही वाला रोल करना है, और माँ लोग गाइड करते हैं ना, तो ऐसा कुछ रहा कभी? हाँ, तो ऐसे सिचुएशंस में ये हुआ था कि घर वाले हमेशा यही चाहते हैं कि आप अच्छे दिखे या आप अच्छा काम करते हुए दिखे, उनकी पॉजिटिविटी ही बरकरार रहती है, बट हमारे थॉट या हर चीज के थॉट ऐसे हैं कि जब सब ही अच्छे करने लगेंगे तो फिर बुरा कैसे करेंगे, और वो अच्छा कैसे बनेगा यदि बुरा नहीं होगा जी। तो हमें तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, लाइफ का फंडा सीधा सा है कि हमें बैलेंस करके चलना है जी। तो फिर हमें दोनों ही यदि मौके मिलते हैं तो फिर दोनों मौके पे चौके मारने हैं। तो हालांकि घर वाले तो मतलब ऑब्वियसली आपको इतना ज्यादा सराहते नहीं है जी। मतलब अंदर से फीलिंग है, ऑब्वियसली सपोर्ट है, तभी आप आज बाहर हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं जी। बट उनका मतलब वो जानते हैं ना, यदि मैं कहूंगा तो ये फूल लाना समाएगा, मतलब वो वाली चीज हो जाएंगी जी। तो ऐसा है, और हाँ ऑब्वियसली पहचान तो देखिए सीधी सी बात है उन्हीं के थ्रू है जी। क्योंकि यदि हमारे माँ बाप हैं तो हम हैं जी, और हम हैं तभी जो आज काम कर रहे हैं यदि अच्छे हैं बुरे हैं आई डोंट नो, उससे उनको पहचान मिलती है या जो भी चीज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं की बदौलत है जी। और सर मैं जानना चाहूंगी, आपने अभी बहुत सारे रोल्स के बारे में आपने डिस्क्राइब किया है कि आपने अलग अलग फॉर्म में किए हैं, जिसमें आपको आवाज भारी करके बोलना पड़ा है, किसी में आपने पान खा के बोला है, राइट। तो हम चाहेंगे कि पांच आप ऐसे अपने कुछ अलग अलग फॉर्म में कुछ डायलॉग्स हमें सुनाए। ये तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपने बोल दी, अब चूंकि मुझे वो सोचना भी पड़ता है। हालांकि जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला आपको बताया, तो मैं वही बोलता हूँ, पहले तो पान वाले बोल देते हैं। अरे मौसा जी, 6 महीने पहले आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, ऐसे नाचेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो फर्स्ट ये हो गया। एंड सेकेंड मैं यदि बेस के साथ बोलूँ, अरे मौसा जी, 6 महीने पहले आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, ऐसे डांस करेंगे तो कैसे चलेगा। अरे मौसा जी, 6 महीने पहले ही तो आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, ऐसे नाचेंगे तो कैसे काम चलेगा। और यदि हम रोने का कहें तो जैसे कि हॉरर में, अरे अरे मौसा जी, 6 महीने पहले आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, ऐसे डांस करेंगे तो कैसे चलेगा। एंड फिफ्थ, तो अरे मौसा जी, 6 महीने पहले ही आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, ऐसे डांस करेंगे तो कैसे चलेगा। एक सर और, वो एक ये है कि आपका बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और कि मतलब आप इस कदर आपको बोलना है कि बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, और आप बस सामने वाले का मर्डर कर देंगे इस तरीके, तो उस फॉर्म में हमें चाहिए। ये तो खतरनाक है जी। मौसा जी, 6 महीने पहले ही आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, ऐसे डांस करेंगे तो कैसे चलेगा। सुपर, ये बहुत हाई नहीं है बट इतना चलेगा, व्यूवर्स भी देख करके चौंक जाएंगे, उनको स्पीकर की वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी जी। तो नहीं, बहुत अच्छा। बाकी ये है कि आपको अपने मतलब इतने सारे जो शोज किए हैं, इतने सारे आप मूवीज एंड एड फिल्म कर गए, आपको कोई अवार्ड
मिले होंगे, तो कौन-कौन से अवार्ड आपको मिल चुके हैं और आपका पहला अवार्ड कौन सा था? देखिए अवार्ड्स की बात करें तो अभी हम अवार्ड्स सेक्शन में अभी नहीं गए हैं, एंड हाँ मैं इवेंट्स वगैरह में एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट एज अ इनविटेशन के थ्रू मैं गया हूँ, तो उनमें कई सारे लोगों ने अप्रिशिएट करते हैं मोमेंटो वगैरह से, दैट्स इट, ये सब चीज़ें रही हैं, इवेंट्स वगैरह में जाना रहता है, तो अवार्ड शोज तो मैंने अभी नहीं किए हैं, तो राइट सर, चूँकि मेरी एक जो लाइन है वो मुझे हिंदी फीचर्स में और मेरा साउथ का बहुत ज़्यादा है, तो मेरा वो है कि बॉलीवुड मुझे पकड़ के चलना है जी, थॉट है, और बाकी मैं सिर्फ अपना ग्राफ ये रखना चाहता हूँ जी। बाकी गुरु सन जी, आप आगे फर्दर इन फ्यूचर में आप क्या चीज़ और मतलब आप किस तरफ बढ़ना चाहेंगे और क्या क्या आपके जो आपने सोच रखे हैं, क्या डिसाइड किया है जो आप अभी तक जो रोल नहीं कर पाए हैं, और आपका क्या टारगेट आपने बना रखा है कि हमें ये चीज़ें अभी आगे और करनी है? तो देखिए आगे फ्यूचर की बात तो हम कितना भी सोच लें और हम कितना भी चाह लें, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है जी। हालांकि हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, तो प्रयास की बात करूं तो ऐसा है कि हमने जो मैंने 2017 की बात है, 2017 की है या 18 की बात है, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी अपमानित ध्वज, एक कोशिश से रोकने की, तो चूंकि मुझे मेरा एक जो सबसे प्लस पॉइंट है, एक तो मेरा मैनेजमेंट है जी, जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, एक चीज़ ये है, एंड दूसरी चीज मुझे डायरेक्शन, जो मुझे फ्रेम है, जो चीजें मुझे दिखानी है, रिप्रेजेंट करनी है, उसमें मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है, तो ठीक है मैं कहता नहीं हूं, क्योंकि देखिए गाने से बेटर है करके दिखाना जी। तो मेरा वो फोकस है, मुझे करके दिखाना है, और करके दिखाना तब जब आप प्रॉपर प्रिपेयर होकर के करते हैं, तो इसके लिए मुझे डायरेक्शन करना ही है, और वो एंड ऑफ द डे कभी ना कभी चीजें होंगी जी, तो उसके लिए है। और एक हॉबी की बात बताऊं तो सबसे अच्छी चीज तो यही है कि मैं कुकिंग के मामले में बहुत अच्छा हूं जी, ये मैं कह सकता हूं जी, कि कुकिंग में मुझे महारत हासिल है जी। और मैं बहुत, जब ये शूट्स लाइफ में नहीं था तो मैंने सोचा था कि मैं किचन के सुपरस्टार मास्टर शेफ में जाना की मैंने सोची, बट वो नॉन वेज वेज का तब मैटर था, अब इतना इशू नहीं है, हालांकि मैं प्योर वेजिटेरियन ही हूँ, बट अब मुझे बनाने में कोई टेंशन नहीं है, सो कुकिंग के मामले में मैं बहुत आगे हूँ, और ऑलमोस्ट किसी को बुरा नहीं लगता मेरा खाना जी। ग्रेट, तो दैट मींस कि ये है कि आगे फ्यूचर आपका शायद कुकिंग भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है, कुकिंग तो हमेशा रहेगा, कुकिंग हमेशा रहेगा, वो शौक भी है और लोगों को बना के खिलाना भी है जी, वो तो छूटना ही नहीं है जी, मरते दम तक आपको भी कभी ना कभी तो खाना ही है और वो बनाना ही है जी। और बाकी यदि हम करियर की बात करें तो देखिए मैं अपनी कंपनी इवेंट्स कंपनी जो हमारी है दयाल इवेंट्स इंटरनेशनल, उसको एस्टेब्लिश करूंगा ही जी, तो उस पर भी वर्क अभी क्या है कि छोटा छोटा है, अभी ऑफिस सेटअप वगैरह है, वो इन फ्यूचर की बात है, एंड देन डायरेक्शन तो मुझे करना ही है जी, बहुत शुक्रिया, बाकी ये नहीं छोड़ना है, जिससे मैं बना वो नहीं छोड़ सकता मैं जी, सिंपल सी बात है जी। तो आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें कि आपने मतलब जो आज तक जर्नी की है और आगे भी क्या करेंगे, और उसके बाद हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज भी दें। तो देखिए आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज का डिसीजन लेने से पहले उसके प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही सोच लें, ताकि आपको प्रॉफिट होता है तो कोई लॉसेज है ही नहीं, और यदि लॉसेज होता है तो आप बर्बाद होने से पहले उसके बचने के उपाय सोच लेंगे, जिससे कि आप अपने भविष्य में आगे ही बढ़ेंगे, मतलब है कि आप नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे पहले बहुत से लोगों ने ये चीज़ें समझाई हैं कि थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ये नारा लगाते लगाते क्या होता है, हम अपने बचने के उपाय छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने जो सोचा कि नहीं पॉजिटिव होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, तो उस, और यदि नेगेटिव उस बीच हो जाता है तब आप क्या करोगे, तब आपको मालूम ही नहीं है कि आगे होना क्या है, तो यदि हमने पहले से ही सोच लिया कि ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, तो हम इसको कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों को हम कैसे हटा सकते हैं, तो वो सोच के करना ये बहुत जरूरी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आज शख्सियत में अपना समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज के प्राइम टीवी के शो शख्सियत में हमने बात की गुरु सरद तिवारी जी से, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में हमसे काफी रोचक बातें हमसे शेयर की हैं कि किस तरीके से उन्होंने आज तक का अपना सफर किया तय किया है। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ में, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।